क्या चला रहा है? कार चला रहा है? फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज सूर्य नारायण प्रकट हो गए थे, मतलब आज हमारे यहाँ काफी तेज धूप निकली थी, मजा आ गया आज दिन में, काफी हमने धूप सेकी और काफी अच्छा लगा। बट अब उसके बाद फिर शाम को ठंड होने लगी और मैं अपना ब्लॉग आज थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह धूप भी लगाई थी और बहुत सारे काम थे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस न्यू ब्लॉग को और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग करते हैं। लेकिन टेम्परेचर में अच्छी खासी गिरावट आई है। हाँ, टेम्परेचर दिन में जितनी तेज धूप निकलती है उतनी तेज शाम को गलने वाली ठंड होने लगती है। हप्पा चाय? नो। ये हप्पा चाय, यक्षी हप्पा चाय? नो। ये हप्पा। तो फ्रेंड्स आज सूजी का हलवा खाने का मन है, तो ये हम लोग सूजी को भुनवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सूजी भुनी जा रही है। यक्षी यक्षी ये क्या खा रहा? पिटा हुआ खा रहा, अच्छा लग रहा है। बड़े मस्ती से खा रहा है। किसने बनाया? ताई। आहा, इसमें बोलो किसने बनाया? ताई। ताई जी बोलो, ताई जी बोलो, यक्षी गंदी बात। यक्षी मैं चली जाऊंगी फिर। बोलो ताई, पहले बोलो ताई जी। ताई जी ने बनाया? ताई जी। हाँ ताई जी ने बनाया, ठीक है खा लो। फ्रेंड्स ये बना है गर्मा गर्म सूजी का हलवा दानेदार, जो कि हम देसी घी में बना। तो फ्रेंड्स हम देसी घी में बनाते हैं जिससे ये दानेदार हो जाता है। आपको जैसा कि नजर भी आ रहा होगा कैमरे में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम खाने वाले हैं आज सूजी का हलवा। कैसे कैसे ऐसे चलती है? फिर से दिखाओ ऐसे। अरे चला के दिखाओ भाई, बहुत सारी कार निकल रही थी अभी। है ये क्या चला रही है? ये क्या चला रहा है? कार चला रहा है? ऐसे चलती है? हैं? आपको अच्छी लगती है? देखो अब दूसरी कार तो नहीं आ रही, देखो दूसरी कार है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? वहाँ पर है, वो खड़ी है, चल नहीं रही है। इधर भी नहीं चल रही, देख कोई कार नहीं है यक्षु, कोई कार नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स गर्म पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है, आप लोग भी गर्म पानी ही पिए। फ्रेंड्स साइड बाय साइड मैक्रोनी बनने की तैयारी हो रही है, तो मैक्रोनी बनेगी आज, क्योंकि आज कुछ खाने का ज्यादा मन नहीं था तो हमने सोचा मैक्रोनी बनवा ले। फ्रेंड्स की जा रही है तो मैं टोमेटो प्यूरी में मैक्रोनी और ये है पास्ता, मैक्रोनी में पास्ता है मैगी मसाला डाल के। छोटी मोटी भूख लग रही है तो ये पास्ता और मैक्रोनी मिला के टमाटर की ग्रेवी में और मैगी मसाला डाल के बहुत टेस्टी बनता है। मैम जब छोटी मोटी भूख लगती है तो यही बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैगी मसाला गया है इसमें, तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो ये देखिए अगर मैगी मसाला नहीं डालेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। मैगी मसाला डालना मतलब अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो मैगी मसाला जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय 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 बाय। दिनों के बाद धूप निकली थी तो आज हमने धूप तो अरे यार मुझे बेटा करने देते बीच में नहीं करते हैं, करने दो क्या आप किसी ने? अरे ये क्या बात है?